इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बाबा ने कहा राम जी परमात्मा वहां ब्रह्म नहीं। देवी आपका प्रश्न है राम जी ब्रह्म है तो नर शरीर क्यों धारण किए? कहन भगत प्रेम बस बस। कब कब? आगे भगवान श्री रघुनाथ जी के जन्म के 5 कारणों का प्रकाश कर देंगे भगवान शिव। आपको संक्षिप्ततः सुनाकर मैं जन्म महोत्सव में आपको ले चलूं। सुन शुभ कथा भवा राम चरित मानस विमल कहा भुषुण्ड बखान सुना बिहग नायक गरुड़। काकभुषुण्ड जी ने जो गरुण जी के प्रति गाया वो आपको कथा सुना। कब सो संवाद उदार जेह विधि भार आगे कहब सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर सुनहु राम अवतार। राम जी का पाप नाशक चरित्र सुनिए, सुंदर चरित्र, अनघ, पाप को मिटाने वाला, पाप रहित चरित्र। क्यों? राम राम जापे से पाप अपने आप भस्म हो जाते। सादर सुमिरन जे नर करहिं बिबसहु जा सुनाम नर जन्म अनेक रचित अघ दहिं चरित सुन परम सुंदर अनघ। पाप भगवान का स्वरूप शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम पाप रहित अघारी। शबरी माँ ने कहा तिन मोह मैं मति मंद हे पाप शत्रु मैं मति मंद हूँ, मेरा उद्धार आप कैसे करेंगे? भगवान ने कहा चिंता मत करो मैं भी कर देता हूँ। अरे वो कुछ भी कर सकते हैं साहब। देखो भगवान राई को पर्वत कर सकते हैं, पर्वत को राई में निकाल सकते हैं। छोटा सा बीज होता है, छोटा सा बीज उसमें वट वृक्ष समाहित तो होता है। कौन करता है? भगवान करते। इनकी व्याप्ति सर्वत्र है साहब। जीव करता है, प्रभु अकर्ता करता है। कर्तुम अकर्तुम भगवान, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम भगवान। करते हुए दिखते नहीं है, जो नहीं करना उसको करने की क्षमता है, लेकिन भगवान कहीं भी करके कहते नहीं और हम बिना किए बिना कहे रहते नहीं। यही जीव है। बिना किए बिगड़ गया, हम नहीं किए भाई, हाँ हम तो थे ही नहीं, फिर बन गया। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, महापुरुषों की वाणी है, मुझे इसका ज्ञान नहीं है, मैं तो आपको मानस के आधार पर सुना रहा हूं। भगवान जो करते हैं वो दिखता नहीं। ये पुष्प किसने बनाया? प्रभु ने बनाया। देखो भगवान को मानो न मानो भगवान तो है, विश्वास रखो। और आप सब लोग विश्वास के साथ यहां पधारे, नहीं विश्वास की ही कथा विश्वास सुना रहा है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, भवानी शंकर वंदे, भवानी जी श्रद्धा विश्वास, शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ।
यभ्यं विना न पश्यन्तु सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के बिना भगवान का दर्शन नहीं, साक्षात्कार नहीं। शिव जी यही बात समझा के देवी राम सो परमात्मा, ऐसे प्रभु का अवतार कब कब। बाबा जी बोले जब जब होगी धर्म के हानि, जब जब अधम अभिमानी, असुर अधम अभिमानी, करहिं अनेते जाय नहिं बरनी, जाय नहिं बरनी, सीधे बे सुर धर तब तब प्रभु धर निधे सज्जन पीरा, हरि कृपा निधे सज्जन पीरा। भगवान केवल सज्जनों की पीड़ा का हरण करते। बालकांड 121 साजी, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान जो जो सज्जन है उनकी पीड़ा का हरण करते। सज्जन कौन? जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। सज्जन कौन? जो असज्जन का भी संग मिल जाए तब भी सज्जनता का त्याग न चले, सज्जनता में छोड़े। सज्जन दुर्जन मिलने पर भी सज्जनता नहीं त्यागता है। रावण कुंभकर्ण विभीषण एक नगरी में, संसार के हर रंग में भी आने पर सज्जन अपनी सज्जनता में आनंदित रहता है। क्यों? उसको इसका परिणाम पता है, आनंद का भाव पता है। कभी भी देखो अवसर भी मिले तो कुसंग नहीं। एति विधि बस सुजन कुसंग, विधि बस कुसंग पर हनि मन समय निज गुण अनुसर, हनि मन समय निज गुण अनुसर, फन मन सम निज गुण अनुसर। भगवान ब्रह्मा जी की रच
रचना से किसी जन्म के लेख के परिणाम स्वरूप सज्जन कुसंगति में पड़ जाए तब भी सांप के विष के अंदर रहने वाली दिव्य मणि जैसे अपनी मणिता अपनी तेजस्विता का त्याग नहीं करती है, उसी प्रकार कुछ दुर्जनों कुसंगति में पड़ने पर भी सज्जन अपनी सज्जनता का त्याग नहीं करता है। कहीं कोई कैसे मिल भर जाए ये बड़ा प्रमाण है। किसी के साथ आप 3 घंटा रह लीजिए तो उसकी सज्जनता उसकी दुर्जनता सबका पता चल जाएगा 3 घंटा में, ज्यादा नहीं 3 घंटा। अरे आधे घंटे की बातचीत में पता चल जाता है। आदमी सोया हो उसके बगल में बैठ जाइए, उठेगा तो पता चलेगा। कैसे सज्जन उठेगा? सीताराम सीताराम सीताराम। दुर्जन उठेगा? सब मर गए का हो? पहला प्रश्न क्यों? माई बाप बहुत देर नहीं सोना समझे कसे और मन ही समझे बसे। देखिए प्रमाण सुंदरकांड में बड़ा सुंदर प्रमाण है। मंदिर मंदिर प्रतिकरी सोधा देखे जहां तक अगणित जोधा गज उदसानन मंदिर माही अति विचित्र कह जात सुनाही शयन किए देखा कपि तेहि मंदिर मोहन दीख वैदे भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णिन जा नव तुलसिका वृंद तह देखे हर्ष कपिरा लंका निश्चर निकल निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर वास मन मोह तर्क करे कपिला तेही समय विभीषण जागा। विभीषण जी जग कर राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा हृदय हरष कपि सज्जन छी। सो के उठे श्री राम जय जय राम। सो के उठे चाय कहाँ है? चाय नहवा दो इनको सुबह सुबह। उठो भगवान को याद करो। निर्णय सिंधु लिखते हैं प्रातः काल उठो हाथ को घर्षण करो चेहरे पर फिराओ कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शन समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्वमे श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हाथ मुँह धो भगवान को वंदन करो चारपाई पर उठकर बैठकर भगवान का स्मरण करो श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान को धन्यवाद दो सुबह सुबह। किस बात का धन्यवाद? लो प्रभु से कहो प्रभु आज फिर बच गया मैं। कई लोग सोते सोते चले जाते हैं, पूरा देश घूमता हूँ लोग बताते हैं सोए थे उठे ही नहीं आज फिर बच गए, इसका भगवान को धन्यवाद करो फिर बच गए प्रभु। आज तो सवेरे 4:30 बजे ही जगा दिए। आज सोना नहीं रात शिवरात्रि है जगना है
सब लोग जगेंगे ना, कीर्तन करना है, कीर्तन जगे रहो। बाबा की रात्रि उत्सव मनाओ, जगे रहो, जागरण करो। हो सीधे विप्रधेन सुरधरनी, ऐसा आचरण कौन, दुष्ट लोग, अभिमानी लोग, असज्जन लोग। तब तब प्रभु धरि विविध शरीर, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जन पीरा भगवान, देखो एक एक अंग हमारा भगवान की कृपा से, आंख भगवान सूर्य नारायण की कृपा से, आंख कान नासिका हाथ पांव सब ब्राह्मण समखमासीद बाहु राजन कृतवरु तदवश्य पदमांग शूद्रो अजायत श्रोत्राद वायु से प्राण सम्मुखाद अग्नि जायत। सब अंग पुरुषोक्त के अनुसार भगवान की कृपा से, एक एक अंग के लिए भगवान को धन्यवाद कर, प्रभु ये सुरक्षित है, ये चला गया, ये तो है, ये गया, वो है, जी रहे, जी जा रहे हैं जिंदगी तेरे रहम से, तेरे कर्म से, तेरी कृपा से। साहब ये तो कृपा बरस रही है। विविध शरीर क्या, भगवान के पांच प्रकार के शरीर अवतार हैं, ध्यान से, महापुरुषावतार, आवेशावतार, अंशावतार, विशिष्टावतार और पूर्णावतार। महापुरुष गुरु तत्व प्रवेत्ता, अंशावतार, आवेशावतार भगवान परशुराम, भगवान बुद्ध आवेशावतार, अंशावतार कच्छप, वाराह, हयग्रीव आदि, मत्स्यवी आदि, विशिष्टावतार भगवान नरसिंह देव, भगवान के विशिष्टावतार, पूर्णावतार भगवान श्रीराम, भगवान श्री कृष्ण और कलयुग में कल की नारायण, ये भगवान के पूर्णावतार है। जब जैसी आवश्यकता होती है भगवान शरीर धारण करके आ जाते। बाबा कहते हैं देवी अवतार के बहुत कारण है, कुछ का संक्षेप कुछ का विस्तार। पतिव्रत धर्म का कवच धारण करके जालंधर देवताओं को बहुत सताया, भगवान विष्णु ने उनका शील हरण किया और फिर सती ने शाप दिया, विष्णु भगवान शालक ग्राम शिला के रूप में गंडकी नदी में हो गए और वृंदा सती तुलसी जी का विरवा हुई, भगवान ने आशीर्वाद दिया, जालंधर रावण हुआ, कश्यप महाराज और अति अदिति माँ के अंक से राम स्वरूप में आकर के भगवान ने उस रावण को गति प्रदान की। एक बार नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया, क्यों, भगत इच्छा करे पूरी न हो तो क्रोध आना स्वाभाविक है, क्रोध के वशीभूत होकर नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। एक कारण भगवान के अवतार का यह है, इसका विस्तार किया बाबा ने। यहाँ रुद्र के दो गणों को भी शाप दिया है, वही रावण कुंभकर्ण हुए, परिवार विशाल भया, भगवान ने उनको गति दी है। मनुष्य त्रुपा जी के तप के परिणाम स्वरूप भगवान उनके पुत्र होके आए, यह कारण। एक अन्य कारण, विशेष कारण, अपर हे तो सुनु शैल कुमारी कहूं विचित्र कथा जेहि कारण अज अगुन यरो ब्रह्म भयव कौशल पुर भूपा। आज भी जिनका स्मरण करके आपकी सिर पर छाया नोच रही है, नाच रही है, घूम रही है, मस्तिष्क को खुजला रही है, तासु चरित सुन ब्रह्म रुझहारी, अजहुन छाया मिटत तुम्हारी, तासु चरित सुन ब्रह्म रुज, भ्रम और बुखार को मिटाने वाली जो वो कथा है उसको आप सुन लीजिए। बाबा ने माँ को सुनाया, मैं आपको संक्षिप्त सुना रहा हूँ। मनुजी सत्रपाजी से टिके आदि पिता और माँ हैं, इनके तप के परिणाम स्वरूप भगवान प्रसन्न हुए। जगत में जो चाहिए, पुत्र धन संपत्ति मकान, तपना पड़ेगा साहब, एक जन्म नहीं अनेक जन्म, तपेंगे तो प्राप्ति है, बिना तप के कुछ नहीं मिलेगा, जो तपेगा वो पाएगा, जो तपेगा वो पाएगा, ये तप ही तो है। आप बैठे कथा सुन रहे हैं, इससे बड़ा तप क्या है, का तप है।
मन को शांत कर लेना ये मन का तप है। इंद्रियों का शांत होना इंद्रियों का तप है। मन का शांत हो जाना शम कहते हैं, ये मन का तप है। चढ़ता बनता। आगे राम जन्म के पहले रावण के जन्म की कथा है। प्रताप भानु, अरिमर्दन, विशेष सचिव, उनके महासचिव जनरल सेक्रेटरी साहब धर्मरुचि, कैकेयी नरेश के दो पुत्र भाई प्रताप भानु अरिमर्दन, ओ कठोर तपश्चर्या, एक एक यज्ञ को 10-10 हजार बार करने वाले कैकेयी नरेश के पुत्र प्रताप भानु जी ने कुसंग के आवेश में, आवेग में आकर, बुढ़ापा न आवे, रोग न सतावे, कोई जीते न, कोई शत्रु न हो, ऐसा वर चाहा। असंभव, जीना सत्य है तो जाना भी महासत्य है, इससे घबराना नहीं। जो आया है हो जाएगा। बचपन गया, युवावस्था आई तो बुढ़ापा भी आएगी, आएगा। बचपन अच्छा नहीं चला जाता है, जवानी अच्छी नहीं चली जाती है, बुढ़ापा बहुत अच्छा। एक महापुरुष कहते हैं, काशी जी के बड़े अच्छे विद्वान हैं, पूज्य डॉक्टर श्रीनाथ जी महाराज, प्रेम भूषण जी, बुढ़ापा सबसे अच्छा आवे है तो साथ लेके जावे, बुढ़ापा छोड़ के नहीं जाता, ले जावेगा, संभालेगा, इसलिए इसका संहार करना। कभी ये नहीं सोचना ऐसा नहीं वैसा, भाई जो हो रहा है वही ठीक है। ब्राह्मण देवताओं का शाप लगा, प्रताप भानु, रावण भय, अरिमर्दन, कुंभकर्ण हुए, धर्म रुचि, विभीषण हुए। कठोर तप किया तीनों भाइयों ने। भगवान शिव कहते हैं, मैंने ब्रह्मा जी ने जाकर वर दिया, रावण ने मांगा, वानर मनुष्य को छोड़कर कोई मार सके नहीं, तथास्तु। कुंभकर्ण ने मांगा, 6 माह सोऊं, 1 दिन जगूं, फिर खाऊं पीऊं सो जाऊं। पहले वो मांगना चाहता था 6 माह जगूं, 1 दिन जगूं, सोऊं, तो 6 माह की निद्रा पूरी। ब्रह्मा जी ने मति पलटवा दी सरस्वती जी से, उल्टा मांग गया। तथा विभीषण के पास जाकर बोले, पुत्र आप भी मांगिए। ते ही मांग से भगवंत पद कमलयमले ब्रह्मा जी चल दिए। देवी, रावण से मैदानों ने अपनी पुत्री मंदोदरी जी का विवाह किया, पाताल जाकर दोनों भाइयों को विवाह करके लाया है। कुबेर की दिव्य नगरी लंका, मैदानों ने कहा, इनके सेवकों को भगाइए, हम सजा देते हैं, यहाँ राजधानी बनाइए। आहरण वृत्ति में प्रवेश कर गया रावण। कुमार्ग पर एक बार जीव चला जाए तो वापसी नहीं है साहब, कदाचित कोई वापस आना चाहे तो जो संगी होते वही मार देते हैं, इसलिए कुमार्ग से बचना ही इसका उपाय है। सत्संग क्या है? कुसंग से बचे रहना भी सत्संग ही है। नहीं तो हवा बह रही है, चारों ओर बह रही है। रावण का परिवार बढ़ने लगा। अरुण, वरुण, काल, यम, यग्नि, रवि, चंद्र, पवन देव, सब को रावण ने बस में कर लिया। ब्रह्मा जी वर ही दे गए, शिव जी उनके तप के वशीभूत हैं, विष्णु भगवान उलझते नहीं। फिर जहि विद होइ धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, शुभयाचरण कतहु नहि होइ देव विप्र गुरु मानन कोई। ये न समझिएगा, पहले बहुत अच्छा था, बहुत खराब है, हमको लगता है अब बहुत अच्छा, पहले बहुत बुरा था। ये कथा त्रेता की है, ये कलयुग चल रहा है। हर युग में तामसी, राजसिक, सात्विक, हर प्रकार के जीव हैं साहब, हर प्रकार के जीव हैं। रावण का इतना आतंक था, गालियां दे दे देवताओं को, त्रास दे के बुलाता था।
चलता था रावण तो धरती थरथरा उठती थी। चलत दसानन डोलती अवनी गरजत गर्व सर्वेश्वर रावण यावत सुन उसको देवन तके मेरु की। रावण का कितना आतंक है कान से सुनकर। जप जो गति रागा तप मक भागा श्रवण सुनै दस साया पुन उठि धावै रहै न पावै धरि सब घालै की। हे यस भ्रष्ट अचाला भा संसार धर्म सुनिए नै तान न ते गोविंद तासै देश निकासै जो कह वेद पुरा जाई अनीति घोर निसाचर जो करे हिंसा पर यति प्रे तिनके पाप ही कवनी। दाढ़े खल बहु चोर जुआरा जे लंपट पर धन पर दारा माँ नहीं मात पिता पिता नहीं देवा साधुन संकर जिनके यह आचरण भवा ते जान होने से चर अतिशय देखि धर्म कहे ग्लानी परम सभीत धरा कुला। धरती माँ गौ रूप लेकर मुनियों के पास गई और मुनि लोग फिर ब्रह्म लोक गए। ब्रह्मा जी से निवेदन भया। ब्रह्मा जी बोले हे धरती धीरज रखिए जा कर तय दासी सोय विनासी हम जो तोर जा कर तय दासी सो विनासी हमर तो सहाय। चलो चलते हैं शिवलोक। सब लोग अंतिमस्त बाबा शिव की शरण में आए। बैठ की भई विचार होने लगा कह पाई ये प्रभु करिय पुकारा। कोई बैकुंठ जाने को कहता है कोई क्षीर सिंधु जाने को कहता है कोई कहीं कोई कहीं। बाबा ने कहा देवी ते ही समाज गिर जा मैं रहे अवसर पाए बचन कहे हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेमते प्रगट हो ही मैं जा। भगवान सर्वत्र विराजमान है हरि व्यापक सर्वत्र समान सब में। यहाँ भगवान यहां भी होंगे ना। भगवान हैं कहां विश्वास ही भगवान है साहब। आपका जहां विश्वास जम जाए वो भगवान है। जर्रे जर्रे में भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमते प्रगट हो ही मैं जाना। नेम से प्रेम से जपने पर भगवान प्रकट होते हैं शिव बाबा ने अनुभव कहा। इतना सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रशंसा किया और सब लोग भगवान ब्रह्मा के साथ भगवान को पुकारने लगे। आप सब लोग पुकारिए श्रीमन नारायण नारायण करिए श्री राम जय राम जिसका जो इष्ट हो करिए। हम लोग स्तुति करते हैं जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवन गो द्विज हितकारी जय जसुरारी सिंधु सुता प्रियतम पालन सुर धरणी अद्भुत सब गठवासी
अनसन सहित मनुज अवतार ले हम दिन कर भगवान श्री हरि की वाणी ने कहा ब्रह्मवाणी, डरिय मत हे सिद्धजन, मुनिलोक देवजन, इंद्र निर्भय होइए, आपके लिए मैं सूर्य वंश में अवतरित होऊंगा, धरती के बाहर को उतारूंगा, नारद जी के वचन को सत्य करूंगा, जाइए। भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा आप लोग वननर हो जाइए, भगवान के आने तक प्रतीक्षारत रहिए, उनकी प्रतीक्षा करिए। चले गए। आगे प्रभु के जन्म की पावन कथा है। बाबा कहते हैं देवी अब जो बीच में रखा इसको सुनिए, यह सब रुचिर चरितम है भाखा, अब सो सुन हो जो बीच ही राखा। क्या बोले अवधपुरी रघु बोल सबया चरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम जड़ हरिपद कमल विनीत। एक बार भू पति मन माही भय गलानी मोरे सुत दाई, गुरु गृह गया लागे करी विनय विसाला।
निज दुख सुख सब गुर ही सुनायो। कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरहु धीर होई कहि सुत चारी। धरहु धीर होई कहि सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। भगत भय श्री अयोध्या धाम की। पावन पुरी अयोध्या में चक्रवर्ती महाराज राजा माँ कौशल्या कैकेयी सुमित्रा पतिव्रत धर्म का दिव्यता पूर्वक पालन करने वाली तीन देवियाँ माताएं संसार के व्यवहार में पुरुष को नहीं लगता, माताओं को लगता है। एक बार माँ कौशल्या जी ने कहा, प्रभु देव ऋण ऋषि ऋण इन दो ऋणों से हम लोग ऋण हो गए, पित्त ऋण शेष रह गया। गुरुदेव से प्रार्थना करते आप हमारे भी कोई पुत्र होते। गुरुदेव भगवान के पास चक्रवर्ती जी पहुँचे और प्रार्थना, निज दुख परिवार का राज समाज का सुख सब गुर ही सुनायो। कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। वशिष्ठ भगवान ने अनेक प्रकार से समझाया। राजन धीरज रखिए, आपके एक दो नहीं चार पुत्र होंगे। धरहु धीर होइ हहि सुत चारी। होइ हहि सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। तीनों लोग जानेगा भक्तों को भय रहित करेंगे अथवा भक्तों के भय का हरण करेंगे। हम यज्ञ करेंगे, त्रेता में यज्ञ विधान था, इसलिए गुरु जी की आज्ञा हुई। ऋषि सिंह आए, गुरु जी ने बुलवाया। सिंगेरे से है वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ जग करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति देने। प्रकट अग्नी चरु कर लेने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। सकल काज भासित तुम्हारा। यह बिमारि देहु मृप जाई। नारायण गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को पायस देकर प्रस्थान कर गए। सब समाज बोल पड़ा, बोली अग्नि नारायण भगवान की जय। गुरुदेव भगवान के हाथ में प्रसाद आया। गुरु जी ने महाराज को कहा, राजन जथा मैं कहूँ ऐसे वितरण करिए प्रसाद। पूरे का दो खंड करिए। कौशल्या जी और कैकेयी जी को देकर उनसे थोड़ा थोड़ा भाग सुमित्रा जी को दिलवाई। ये प्रसाद का विधान, चार भाग। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना,
उभय भाग आगे आधे कर कीना, कह कई कह नृप सो दयवु रहे सो उभय भाग पुन भयो। गोस्वामी जी ने यहाँ लिखा पूरे का दो खंड हुआ, एक भाग माँ कौशल्या जी को, आधे का दो खंड हुआ एक भाग माँ कैकेयी जी को, और पा भाग बचा उसका दो खंड हुआ, वो दोनों सुमित्रा मैया को कौशल्या जी और कैकेयी जी के द्वारा दिलवाया। क्या कारण? बहुत कारण है, फिर कभी स्मरण करेंगे। माताओं ने आपस में संकल्प लिया, सारी संतानें, चारों संतानें एक दूसरे के प्रति ममत्व रखें, स्नेह रखें, अनुराग रखें, आदर रखें, ऐसा हम चिंतन करते हुए ये प्रसाद पाएंगे। प्रेम का जब चिंतन करेंगे तो प्रेम होगा, बैर का चिंतन करेंगे तो बैर सधेगा। संतान उत्पन्न करते समय, प्रकट होते समय, विचार करते समय जो हमारा भाव संतान पर, वही भाव सिद्ध हो जाता है। माताओं ने प्रसाद पाया, मेरा परमात्मा अंशों सहित अंक में आया। जा दिन ते है सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर माहु सब राज हिरानी शोभा जोत कछु काल चल गयउ जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयउ, जो कलगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल चर यरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख देव चले महा देव चले ले ले फूलन के हार रे आवो रामा नागरिया, नवमी तिथि मधु मास पुनीता शुकल पक्ष अभी चित हर प्रिया, मध्य दिवस अति शीतल घामा पावन काल लोक विश्रामा, ब्रह्मा वेद पढ़े सूर ज्ञान चढ़े में पर्वत मणियों से लद गए, शिलाएं स्फटिक की हो गई, शीतल मंद सुगंध बिहारी बहने लगी, सरजू जी में मानो अमृत रस का प्रवाह हो गया, भक्तों का भगवान ने आकर्षण कर लिया, देवता लोग आकाश में आकर फूल की वृष्टि करने लगे, भगवान अब आने वाले हैं, देवताओं ने स्तुति किया, संतों का संदेश आया। अति दुष्ट मारो भगत मारो तारो कोटि मुनि न संता सब सृष्टि समारो जस विस्तारो पूजत जाहि श्रीमंता, संतन हित रागी जन अनुरागी जाको पायो नहीं अंता, निज जन हित कारण असुर विदार भयो प्रगट श्री भगवंता, हां भयो प्रगट श्री भगवंता, हां 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 भयो प्रगट श्री भगवंता। सुर समूह विनती करी जब पहुँचे निज निज धा, जग निवास प्रभु प्रगट अखिल लोक विसा, देवता लोग स्तुति कर करके अपने अपने धाम पर स्थान कर गए, अथवा तो भगवान के स्वरूप में अंगों में अवस्थित हो गए। जगत के दाता जगन्नाथ भगवान प्रभु श्री राघव
माँ कौशल्या जी के कक्ष में प्रत्यक्ष हुए। कैसे? बाबा शिव कहते हैं, देवी ये देखिए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला माँ कौशल्या हितकारी हरषित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन स्वरूप दर्शन करके भगवान से माँ ने कहा, प्रभु अरे को लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, ऐसे कहीं बालक जन्म लेता है? तो माँ ने कहा कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला प्रभु यह सुख परम सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। और बाबा ने कहा विप्रधेनु सुर संग
पहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सुन से सुरुदन परम प्रिय वाणी लो रोना कही परम प्रिय हाँ उत्सव का आनंद है बच्चा बच्ची रोवे यही तो आनंद है बधाई हो महाराज के बधाई हो मिठाई हो अरे भाई लाला लली भाई तो कुछ तो है? क्या बात है सुनने से सुरोदन परम प्रिय संभ्रम चलियाई सब हर्षित जह तह धाई आनंद मगन सकल पुरवास महाराज के कान में बच्चे के रोने की आवाज आई बालक रो रहा है महाराज ने बाजा वालों से कहा ए बाजा वाले आओ और बजाओ बजने लगा अवध में आनंद भयो अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की अवध में आनंद भयो लाल की अवध में आनंद रघुबर लाल की जय जय महाराज जुकी जय जय जगपाल की जय जय महाराज जुकी जय जय जगपाल की जय हाथी दियो घोड़ा दियो और दिनी पालकी हाथी दियो घोड़ा दियो और दिनी पालकी अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दिनी पालकी कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पालकी कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दिनी पालकी कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पालकी अवध में आनंद भयो पालकी अवध में आनंद भयो पालकी छोरन को हाथी घोड़ा पूरन को 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 पालकी अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की अवध में आनंद भयो लाल की कौन को दियो लड्डू पेड़ा कौन को दिनी लापसी कौन को दियो लड्डू पेड़ा कौन को दियो लापसी कौन को दियो लड्डू पेड़ा कौन दिन ही बिंदी बालकी
दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे, और के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे, अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे, अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। भक्तन पे भीड़ पड़ी स्वयं ही पधारे, 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 संतन की वर्षा करो यार ही तरस, संतन की रक्षा की असुर संहारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, दीपाजे अवध में बधाई बरसावे, से फूल बरसावे, देव गगन से फूल बरसावे, देव गगन से फूल बरसावे, आए सकल मुनि राय जन्म लिहले रघुराई, बाजे अवध में बधाई जन्म लिहले, गोपाल जी चरण रज चाहत, दास गोपाल जी चरण रज चाहत, हे हरि की शरनाई जन्म लिहले रघुराई, बधाई हो लिहले रघुराई, बाजे अवध में बधाई जन्म लिहले रघुराई, बाजे अवध में कथा विसर्जन याज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान राम लखन श्री जान की सदा करहु कल्याण, रघुवर राम लला सरकार की, लाला के जन्म की बहुत बहुत बधाई हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय, भवानी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, महाशिवरात्रि महोत्सव की जय, आज के आनंद की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिया शीश पर क्रीट मुकुट सोहे सोहे, चंद्रिका की छवि पर मोहे मोहे, लखन सेवा बलिहारी की, लखन सिया जग दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जग दुलारी की, कपोलन पैल के झलके हसन पर बिजली
हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की, आज की आनंद की जय, जय श्री सीताराम। हरि ओम। जगेन जगमय जंत देवस्थान धर्माण प्रथमान्यासन्नते हनाकम महिमानः सजन्त्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति काबकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।